एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी हमें किसी की भी पता नहीं है, सो हम हमेशा किसी भी एक इनिशियल स्टेट को जीरो एनर्जी स्टेट ले सकते हैं. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी? कोई फॉर्मूला नहीं है. इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का, बिकॉज इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो एट इंफिनिटी, और इंफिनिटी हमें पता नहीं है क्या है. Change in potential energy is work done against the internal force of a system. This is the general formula for where F is internal and conservative force. Small displacement, जैसे FdX. FdX will be used only when it is in one direction, x direction. F is internal force of the system. जब वो किसी एक डायरेक्शन में होगा तो एफ इन टू डी एक्स करेंगे, व्हेन इट इज इन थ्री डायमेंशन देन एफ डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के, करेक्ट?
सॉरी बेटा, एक बैलेंस आ गए थे। तो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आती है? सिस्टम के फोर्स के अगेंस्ट वर्क करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी आती है। और बाहर से कोई फोर्स लगाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी। ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का एक फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास में किया था। एक्चुअली दिस इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी चेंज, लेकिन जब हम बहुत छोटी हाइट पर हो, जैसे अर्थ की रेडियस होती है 6400 किलोमीटर, हम कुछ 100 मीटर तक जाएंगे तो हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, हम फोर्स को कांस्टेंट अज्यूम कर लेते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट है, एच हाइट ऊपर ले जाने पे पोटेंशियल एनर्जी का चेंज, दिस इज चेंज। जब ये कांस्टेंट फोर्स है तो इंटीग्रेशन की कोई जरूरत नहीं है। एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, थीटा इज 180, दैट बिकम प्लस एम जी एच। ये एच हाइट ऊपर और ग्राउंड, इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है, दिस इज नॉट द एक्चुअल पोटेंशियल एनर्जी, करेक्ट। हम पोटेंशियल एनर्जी कहीं पर भी जीरो अज्यूम कर सकते हैं, हम अर्थ पे जीरो अज्यूम कर लेते हैं, ये हमारी मर्जी है। हम यहाँ पर भी जीरो अज्यूम कर सकते हैं, हम बीच में भी कहीं जीरो अज्यूम कर सकते हैं, ऊपर तो लेके गए, ये इनिशियल ये फाइनल है, पोजीशन तो चेंज करेंगे तभी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी ना, चेंज तभी होगा जब पोजीशन पे चेंज होगा, पहले अर्थ पे रखा था अभी अर्थ से ऊपर ले गए। पोटेंशियल एनर्जी चेंज क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ चेंज इन पोजीशन, और उसको चेंज करने में जितना वर्क करते हैं दैट वर्क इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी। अब ये एच हाइट ऊपर जाने पर पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच ना होकर चेंज होता है। अगर हमने ग्राउंड पे जीरो अज्यूम कर लिया, only then we will say that potential energy at h height above is mgh. ye zero hum assume kar sakte hain kyunki hum kabhi bhi absolute potential energy calculate nahi karte, hum hamesha change calculate karte hain aur change hamesha same rehta hai. isko ek dusre example se samajhte hain. let's say ek vertical circle hai r radius ka, theek hai, isko note kar dijao. ye thodi si chinese lag sakti hai starting mein because ye kuch मैथमेटिकल ज्यादा है जो आपने बचपन से पढ़ा है उसके कंपैरिजन में. ये सपोज एक सर्कल है, वर्टिकल सर्कल, पॉइंट ओ इज द सेंटर, दिस इज बॉटम ए एंड दिस इज बी, इसकी रेडियस है आर एंड दिस इज अ वर्टिकल सर्कुलर प्लेन और वर्टिकल सर्कल. इसमें हम पोटेंशियल एनर्जी कहीं पर भी जीरो ले सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हमने ए पे ली पोटेंशियल एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज जीरो, व्हाट विल बी पोटेंशियल एनर्जी एट सेंटर देन? ये हाइट कितनी हुई, रेडियस इक्वल हुई, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ओ विल बिकम एम जी आर, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी विल बिकम एम जी इंटू टू आर. When potential energy at, so C से center कर लो, और if potential energy at A is zero, then potential energy at C will become mg into R, potential energy at B become mg to R. अब अगर हम इसी का reference change कर देते हैं, reference change मतलब zero हमने ले लिया center. Now if we assume potential energy at center to be zero, ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव होगी पोटेंशियल एनर्जी, इंक्रीज हो रही है, नीचे आने पे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज. जीरो पोटेंशियल एनर्जी एट द सेंटर, हमने जो लास्ट स्टेटमेंट लिखा था पिछली क्लास में उसका एक एग्जांपल करते थे. क्या लिखा था लास्ट स्टेटमेंट पिछली क्लास का? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पिछली क्लास का डज नॉट डिपेंड अपॉन, डज नॉट डिपेंड, पढ़ना भूल गया. चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डज नॉट डिपेंड अपॉन रेफरेंस. जीरो हमने कहाँ लिया है इस पर फर्क नहीं पड़ता जब हम चेंज कैलकुलेट कर रहे हैं. हमने ये एक छोटा सा एग्जाम्पल कंसिडर किया हुआ है, वर्टिकल सर्कल में नीचे बॉटम मोस्ट पॉइंट पे जीरो लो या सेंटर पे जीरो लो या टॉप मोस्ट पॉइंट पे जीरो लो, जब भी चेंज कैलकुलेट करेंगे दैट चेंज विल ऑलवेज बी सेम. पोटेंशियल एनर्जी चाहे वो ग्रेविटेशन की हो चाहे वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द एब्सोल्यूट जीरो. एक्चुअल जीरो कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर है या ग्राउंड पर है या सेंटर पर है, वो मैटर नहीं करता. पहले वाले केस में
पोटेंशियल एनर्जी सरफेस पे जीरो ली हमने, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बी एंड ए? बी पे पोटेंशियल एनर्जी 2 mg/dr और ए पे जीरो, राइट? इसी का ये रेफरेंस हमने अब ग्राउंड छोड़ के सेंटर पे लिया। नाउ दिस इज द डिफरेंस, जीरो पोटेंशियल। ऊपर जाएंगे तो वर्क करना पड़ेगा हमें अगेंस्ट पोटेंशियल एनर्जी, बी पे पॉजिटिव mg/dr, नीचे की तरफ ग्रेविटी में लाने के लिए हमें वर्क करना नहीं, वो खुद ही आ जाएगी नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ वर्क हमें मिलेगा, नीचे की तरफ पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव। बाय यूजिंग दैट फॉर्मूला चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन अगेंस्ट इंटरनल फोर्स। अगर इंटरनल फोर्स खुद वर्क कर रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है, जैसे नीचे आएगा ग्रेविटी की वजह से वो खुद वर्क कर रही है, और हम उसके अगेंस्ट वर्क करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है, उसके ऊपर पॉजिटिव। इंटरनल पूरा लिख लिया करो यार अगर कंफ्यूजन हो। इंटरनल फोर्स ग्रेविटी है, जब ग्रेविटी वर्क करेगी यानी वो नीचे आ रहा है ग्रेविटी की वजह से तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो। व्हेन इट इज गोइंग अबव अपोजिट देन इट विल इंक्रीज। अब सेकेंड वाले केस में भी जब आप यू बी माइनस यू ए करोगे, पहले वाले केस में रेफरेंस था ग्राउंड पे, सेकेंड वाले केस में रेफरेंस है सेंटर पे। इवन नाउ इफ यू कैलकुलेट द चेंज, द पोटेंशियल एनर्जी चेंज विल बिकम 2 mg/r। Which is exactly same.